So today we are going to start with the next chapter of statistics, which is methods of statistical inquiry. Okay, we can collect our data making use of census method or sample method. So what is census? What is sample? We will be discussing both the methods. We will be discussing their suitability, their merits, their demerits. Also, we will be discussing different methods of collecting data making use of sampling method. ठीक है, तो let's start with the concept of universe. Before starting with this chapter, you should know what is the meaning of the word universe or population in statistics. Normally तो हम universe कहते हैं celestial objects को. ठीक है, population कहते हैं number of people living in a particular country or region, but in statistics the word universe or population both can be used interchangeably, but they have different connotation. What is the meaning of universe in statistics? Bete, universe or population in statistics means totality of items under study. Jis bhi cheez ki humne study karni hai, जो भी हमारा स्टडी ग्रुप है, विच वी यू नो फोकस टू विच ऑन विच वी आर फोकसिंग, वी आर इंटेंडिंग टू स्टडी. ठीक है, उसमें जितने यूनिट्स हैं उनकी टोटैलिटी को यूनिवर्स कहा जाता है. फॉर एग्जांपल, इफ आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट एवरेज मार्क्स ऑफ टेस्ट रिवीजन टेस्ट 1 ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ क्लास 11C, my universe would be all the students of 11C. ठीक है, on the other hand, if ma'am principal wants to know my performance, she wants to know the average marks of students of all the classes I teach. सारी classes जिनको मैं economics teach करती हूँ उनकी average marks मुझे निकाल के उनको बतानी है. तो for that case, my universe would be I teach 11C, I teach 12B, I teach 12C. So what would be my universe now? The students of 11C, 12B and 12C. ठीक है? So universe in statistics means totality of items under study. ठीक है? Just wait. Okay, so it represents the entire group of units which is the focus of study. ठीक है, तो universe के बारे में पता चल गया. अब आपको दो तरीके से हम statistical inquiry conduct कर सकते हैं, making use of census method और sample method. First of all, let's see what do you mean by census. But a census method is that method in which all the units of the population under all the units of the population और यूनिवर्स आर स्टडीड. अगर आपको डेटा चाहिए और उस डेटा को कलेक्ट करने के लिए आपने यूनिवर्स में जितनी आइटम्स हैं उन सबको स्टडी करके डेटा कलेक्ट किया, दैट मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन इज नोन एज सेंसस मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन. ठीक है, व्हेन ऑल द यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन आर स्टडीड, दैट मेथड इज नोन एज सेंसस मेथड. फॉर एग्जाम्पल, मुझे आपकी क्लास के एवरेज मार्क्स निकालने हैं. ठीक है, यहाँ एवरेज हाइट निकालनी है. मैंने 1, 2, 43, 54 जितने भी आपके क्लास में रोल नंबर्स हैं सबके मार्क्स नोट डाउन किए, उनका टोटल लिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड किया, मेरे पास एवरेज मार्क्स आ गए. ये एवरेज मार्क्स मैंने कैसे फाइंड आउट किए? मैंने हर आइटम को, नाउ वन स्टूडेंट ऑफ दिस यूनिवर्स विल बी कॉल्ड एज आइटम ऑफ दैट यूनिवर्स और यूनिट ऑफ दैट यूनिवर्स. ठीक है, तो मैंने हर यूनिट को स्टडी किया एवरेज मार्क्स फाइंड आउट करने के लिए. सो दैट मेथड वुड बी कॉल्ड एज सेंसस मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन. ठीक है, विच कवर्स ऑल द यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन. नाउ ये मेथड कहाँ पे सूटेबल है? ऑब्वियसली ये वहां पे सूटेबल नहीं है जहां पे पॉपुलेशन का साइज लार्ज है.
है सुटेबल? आपकी क्लास में 54 स्टूडेंट्स हैं, सो इट्स पॉसिबल फॉर मी टू मेक लिस्ट, ठीक है, ऑफ ऑल दी 54 स्टूडेंट्स, मार्क्स ऑफ 54 स्टूडेंट्स. अगर मेरे को कहा गया कि ऐसे करो, आप इंग्लिश के ना हर फर्स्ट ऑनवर्ड्स टिल 12 जितने भी सेक्शंस हैं, आप उनके एवरेज मार्क्स टोटल सारे इंग्लिश की मेरे को टोटल एवरेज बताओ, बच्चों के इंग्लिश में एवरेज मार्क्स कितनी है. इज इट पॉसिबल फॉर मी टू कलेक्ट द डेटा ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट फ्रॉम ईच एंड एवरी सेक्शन? नहीं ना, क्यों? क्योंकि हेयर द साइज ऑफ पॉपुलेशन इज लार्ज. सो इसका मतलब सेंसस मेथड कहां पे सूटेबल है? वेयर साइज ऑफ पॉपुलेशन इज स्मॉल, ठीक है, सो फेयर ऑफ इंक्वायरी इज स्मॉल और साइज ऑफ पॉपुलेशन इज स्मॉल. सेकेंडली, वेन वी नीड टू हैव एन एक्सटेंसिव स्टडी ऑफ द डाइवर्स आइटम्स, हमारा जो यूनिवर्स है वो हीट्रोजीनियस है. हीट्रोजीनियस मीन्स डाइवर्स है, एक जैसा नहीं है, डिफरेंट तरह के लोग हैं, हर एक में अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स हैं, होमोजीनियस नहीं है, डाइवर्सिटीज प्रेजेंट है, और उसकी हमें एक्सटेंसिव सर्वे करनी है. तो इन दैट केस वी मेक यूज ऑफ सेंसस मेथड. आपने सुना है सेंसस ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट सेंसस आफ्टर एवरी 10 years. व्हाई इट इज कंडक्टेड? टू नो अबाउट द पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स, डेमोग्राफिक पैरामीटर्स. डेमोग्राफी वर्ड रिलेट करता है पॉपुलेशन से, तो डेमोग्राफिक पैरामीटर्स रिलेट करने के लिए. तो आप में से हर एक के घर एक ऑफिसर या एक एम्प्लॉई आता है गवर्नमेंट का, जिसके पास एक बहुत बड़ा फॉर्म होता है जिसमें वो आपके घर के हर मेंबर के बारे में इंफॉर्मेशन लेके जाता है. आपके फैमिली मेंबर्स कितने हैं, उनके नाम क्या है, उनकी एज कितनी है, जेंडर क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, ठीक है, और कौन सी ऑक्यूपेशन में इंगेज है, कितना कमाते हैं, अगर ये नहीं तो और भी मतलब अलग तरह के स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, वो सारा डेटा कलेक्ट करके जाते हैं. सो अगर आपको अभी तक शायद ये लगता होगा कि सेंसस से हमें ये पता चलता है कि इंडिया की पॉपुलेशन का साइज कितना है, ठीक है, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया में 120 करोड़ की पॉपुलेशन है. बेटे सेंसस जो है एक कॉम्प्रीहेंसिव रिपोर्ट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंसस मेथड से कलेक्ट करती है. आपको अपनी कंट्री के डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको लिटरेसी रेट चाहिए, आपको बर्थ रेट चाहिए, डेथ रेट चाहिए, आपको ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पता करना है कि कितने परसेंटेज लोग प्राइमरी में एंगेज हैं, कितने सेकेंडरी में, कितने टर्शरी में एंगेज हैं, ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको सेंसस से मिल जाएगी. सेंसस क्या है? ये एक रिपोर्ट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंसस ऑफ इंडिया, विच इज कैरिड ऑन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर एवरी 10 years, और इसको कलेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज को डे टू डे, डोर टू डोर इंक्वायरी करवाती है हाउस होल्ड से, ठीक है, जिस घर को वो कवर कर जाते हैं उसके बाहर एक मार्क लगा जाते हैं कि दिस हाउस होल्ड हैज बीन कवर्ड, ठीक है, अलग अलग लोगों को अलग अलग रीजन्स एलोकेट कर देती है. अब इसमें क्यों सेंसस मेथड से किया जाता है, सैम्पलिंग क्यों नहीं यूज कर लिया जाता? बिकॉज आवर पॉपुलेशन इज डाइवर्स एंड वी नीड टू मेक अ डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफ आवर पॉपुलेशन, ठीक है. सो सेंसस मेथड इज सुटेबल व्हेन वी नीड टू मेक एक्सटेंसिव स्टडी ऑफ द डाइवर्स आइटम्स प्रेजेंट इन द पॉपुलेशन. देन व्हेन यू नीड हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, सेंसस अगर आप अडॉप्ट नहीं करोगे तो कौन सा अडॉप्ट करोगे? सैंपल. व्हाट इज सैंपल? इन विच अ फ्यू यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन आर चूजन एंड उनको स्टडी किया जाता है, उनके बेसिस पर जो रिजल्ट है वो पूरी पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई कर दिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपकी क्लास के एवरेज मार्क्स निकालने के लिए हर रो में से एक एक बच्चा उठा किया, उठा के उसके मार्क्स नोट कर लिए, 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स आ गए मेरे पास, उसको मैंने 5 से डिवाइड कर दिया, मेरे पास एवरेज मार्क्स आ गए. मैंने मैम प्रिंसिपल को जाके बोल दिया ये मेरी क्लास के एवरेज मार्क्स. व्हाट हैव आई मेड यूज ऑफ?
सैंपल में, ठीक है? सो इट्स नॉट दैट आई हैव डन एनी चीटिंग और एनीथिंग लाइक दैट, आई हैव मेड यूज ऑफ सैंपल मेथड ऑफ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी, ठीक है? सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट सूटेबिलिटी ऑफ सेंसर्स. इफ वी रिक्वायर हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, अगर बोर्ड ने कहा ये जो आप एवरेज भेज रहे हो ना, इसके बेसिस पर हमने बच्चों का प्लस टू का रिजल्ट देना है, तो क्या हम सैंपल मेथड यूज कर सकते हैं? वी नीड हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, ठीक है? सो सेंसस मेथड इज सूटेबल व्हेन हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड, ठीक है? एंड व्हेन यू, सो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ सूटेबिलिटी. नाउ लेट्स डिस्कस द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सेंसस मेथड. बेटे पहला मेथड सेंसस मेथड का, इट इज एक्यूरेट एंड रिलायबल, हाईली एक्यूरेट, फेयरली एक्यूरेट. हाउ इट इज एक्यूरेट? क्योंकि बेटे हर यूनिट को तो कवर किया है, आपके एवरेज मार्क्स, मैंने हर स्टूडेंट के मार्क्स नोट डाउन करके फिर निकाले हैं, तो एक्यूरेट होगा या नहीं? हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज देयर. जो डेटा एक्यूरेट है वो रिलायबल भी होगा, उसके ऊपर आप रिलाय कर सकते हैं, ठीक है? देन लेस चांसेस ऑफ बायस्डनेस. बायस्डनेस का मतलब पार्शियलिटी, है ना, पक्षपात कर लेते हैं लोग, तो इस केस में बायस्डनेस नहीं आ सकती इन्वेस्टिगेटर की. लेट्स से देयर आर टू इकोनॉमिक्स टीचर इन अवर स्कूल, मेरे को मैम ने कहा ऐसे करो, दोनों आप ए सेक्शंस पढ़ाते हो, बी सेक्शंस पढ़ाते हैं, मुझे ए और बी दोनों की एवरेज मार्क्स दो. मैंने क्या किया, मैंने ए स्टूडेंट के, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के सैंपल चूज कर लिया और बी स्टूडेंट, बी सेक्शन के वीक स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट कर लिया, सैंपल ले लिया, तो ऑब्वियसली मेरा जो एवरेज है वो बेटर आया बी से, ठीक है? इसमें क्या हुआ, मेरी बायस्डनेस एंटर कर गई. बायस्डनेस कब एंटर करती है? जब आप सैंपल मेथड यूज करते. ऑन द अदर हैंड अगर मैं सेंसस मेथड से एवरेज निकालती हूं तो क्या कोई मैनिपुलेशन हो सकती है? नहीं, नो बायसनेस कैन बी देयर, ठीक है? सो दिस इज द मेरिट ऑफ सेंसस मेथड के बायसनेस एंटर नहीं कर सकती. देन एक्सटेंसिव स्टडी ऑफ डाइवर्स आइटम्स इज पॉसिबल इन केस ऑफ सेंसस मेथड. जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दे दिया सेंसस ऑफ इंडिया का, आपको अपनी पॉपुलेशन से रिलेटेड कोई भी डेटा चाहिए आप सेंसस रिपोर्ट से उठाते हो. क्यों? क्योंकि वहां पे कॉम्प्रीहेंसिव स्टडी है. कॉम्प्रीहेंसिव स्टडी कैसे पॉसिबल हुई? सेंसस मेथड से पॉसिबल. आप इमेजिन करो वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज पूरे एरिया में जहां पे 100 घर है एक ही घर का डेटा कलेक्ट करके ले आए और उसको सारे एक कॉलोनी के ऊपर अप्लाई कर दें. ऐसा होता है क्या? आपके घर में, कॉलोनी में जितने भी घर हैं सबकी, आर दे ऑल एंगेज्ड इन सर्विस सेक्टर? इज देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग द सेम? डू दे हैव सेम नंबर ऑफ मेंबर्स इन देयर हाउस होल्ड? नो. डू दे हैव, दे बिलोंग टू सेम एज ग्रुप? नो. ठीक है, तो जहां पर आपको एक्सटेंसिव स्टडी चाहिए, या आप इसको मेरिट की तरह कैसे लिखोगे, हेयर द एक्सटेंसिव स्टडी ऑफ डाइवर्स आइटम्स इज पॉसिबल विच इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ सैम्पलिंग मेथड, ठीक है? ऑल राइट, लेट्स डिस्कस इट्स डीमेरिट्स. एनीवन? इट इज वेरी वेरी टाइम कंज्यूमिंग, नॉट पॉसिबल फॉर द प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर. मेरे को कोई बोले मैं प्राइवेट हूं, मैं गवर्नमेंट, मेरे पास रिसोर्सेस कम है क्योंकि मैं प्राइवेट हूँ, मैंने कोई सर्वे करनी है, मैं पीएचडी कर रही हूँ, मेरा कोई रिसर्च का टॉपिक है, तो उसके लिए पहली बात तो आई एम वर्किंग, तो मुझे टाइम निकालना बहुत मुश्किल है, मेरे पास मैन पावर कम है, मेरे पास फंड्स कम है, तो क्या मेरे लिए लेट अस से मेरी जो सर्वे है दैट रिलेट्स टू हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके लिए मुझे हर हॉस्पिटल में जाके डेटा कलेक्ट करना है, इज इट पॉसिबल फॉर मी? नहीं ना. क्यों? मोर फंड्स आर रिक्वायर्ड. जब हम सेंसस मेथड से डेटा कलेक्ट करते हैं ये टाइम कंज्यूमिंग है, ये एक्सपेंसिव है, ये ज्यादा मैन पावर मांगता है. सो यही इसके डीमेरिट्स. पहला डीमेरिट एक्सपेंसिव, दूसरा टाइम कंज्यूमिंग, तीसरा मोर मैन पावर इज रिक्वायर्ड, ठीक है? सो इट इज, वी कैन से नॉट सूटेबल फॉर
इन्वेस्टिगेटर्स। ठीक है, ये हो गया हमारा सेंसस मेथड बेटे। कमिंग टू द सैंपल मेथड, व्हाट इज सैंपल मेथड? इन द सैंपल मेथड अ फ्यू आइटम्स आर चूजन आउट ऑफ द होल ऑफ द पॉपुलेशन, दीज आर कंसिडर्ड एज सैंपल। वो जो यूनिट्स हमने चूज किए उसको क्या कहते हैं? सैंपल। और सैंपल को स्टडी करते हैं, उसके बेसिस पर कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं और उस कंक्लूजन को पूरे यूनिवर्स के ऊपर अप्लाई कर देते हैं। दिस इज अवर यूनिवर्स, वी स्टडी ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है, लेकिन इसका जो रिजल्ट आया उसको हम इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। बेटे सैंपल मेथड वी मेक यूज ऑफ इन आवर डे टू डे लाइफ। आपके मम्मा कभी कोई चीज लेने जाते हैं, लेट अस से ग्रोसरी आइटम्स, शुगर, राइस, क्योंकि राइस में बहुत ग्रेडिंग होती है, अलग अलग तरह के राइस होते हैं, तो शी वॉन्ट्स टू बाय लॉन्ग ग्रेन्ड राइस जिसकी फ्रेग्रेंस भी अच्छी हो, ठीक है, बनाते हुए पकते हुए अच्छे लगे, टेस्ट में भी अच्छे हो। सो जब वो खरीदने जाती हैं तो शी टेक्स अ हैंड फुल ऑफ राइस इन हर हैंड, ठीक है, उसको वो चेक करती हैं, स्मेल करती हैं और देखती हैं इफ शी फील्स के हाँ लॉन्ग ग्रेन्ड है, राइट, और अच्छी खुशबू है, तो वो कहती है अच्छा इसमें इसको पैक कर दो आप। शी मेड हर डिसीजन होल ऑफ द ग्रेन ऑफ होल ऑफ द ग्रेन ऑफ राइस on the basis of just handful of rice. This is what? Sampling method. ठीक है, आप क्लॉथ लेने जाते हो, आप ज्यादा स्टिफ क्लॉथ नहीं डाल सकते हो, कोर्स क्लॉथ नहीं डाल सकते हो, आप अपनी यूनिफॉर्म लेने गए तो आपने शर्ट को टच करके देख लिया कि सॉफ्ट है, ठीक है, ये मेरे से डल जाएगी, या सिंथेटिक नहीं है, कॉटन है, मेरे से डल जाएगी, ठीक है, दिस इज सैंपल, राइट। So what is sample? When a few units of the population are studied and on the basis of that results are or conclusions are drawn about whole of the population. So suitability discuss karte hain, sample method kahan suitable hoga? Size of population is large. We cannot make use of census. Secondly, when the population is destructive in nature, जब population destructive है, कोई example दे सकते हो destructive population की? Study की साथ में ही खत्म होती जा रही है। एक candle manufacturing firm है, वो candles बनाती है, उसको लोगों को बताना है कि हमारे candle की burning strength ज्यादा है as compared to other brand. अगरबत्ती है, ठीक है, क्रैकर्स हैं, कैंडल्स हैं, इनको यूज करोगे, स्टडी करोगे, ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो लेट अस से दिन में 10,000 कैंडल्स बनती हैं, मैंने एक एडवर्टीजमेंट करनी है अपनी कैंडल्स की, जिसमें मैंने ये बताना है कि ए ब्रांड की लोगे तो इसकी जो एवरेज लाइफ है वो 2 आवर्स है, मेरे ब्रांड की लोगे बी ब्रांड की इसकी एवरेज लाइफ ज्यादा है, मैंने बनाई ऐसे और मैं लोगों को बताना चाहती हूँ इसकी एवरेज लाइफ कितनी है। अब एवरेज लाइफ जानने के लिए अगर आप सेंसस मेथड का इस्तेमाल करोगे तो क्या करना पड़ेगा? 10,000 कैंडल्स बर्न करोगे, है ना, तो इन द प्रोसेस पॉपुलेशन विल बी destroyed. Should you make use of census? What you should do? You should take a sample of 100 candles. Inko jalao, burning strength dekho, claim kar lo kitni aapki average life. Isi tarah bulb, LED aayi hai. Naya ab ye tube light koi nahi ghar mein rakhta, LEDs chalate hain log. Bulb ki jagah LEDs aa gaye hain na? तो क्यों? क्योंकि उसकी वो क्लेम करते हैं एवरेज लाइफ बहुत ज्यादा है। बल्ब तो महीने दो महीने बाद फ्यूज हो जाता था, एलईडी की एवरेज लाइफ ज्यादा है, फ्यूज ही नहीं होती है, तो कितनी एवरेज लाइफ? क्या करोगे, सारी एलईडी चला के देखोगे? नहीं ना, क्यों नहीं चला सकते? यहाँ पे सेंसस क्यों नहीं सूटेबल? पॉपुलेशन इज डिस्ट्रक्टिव।
तो यहां पे कौन सा सूटेबल है? बिकॉज पॉपुलेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड. देन व्हेन पॉपुलेशन इज इनफिनाइट, इनफिनाइट है, एंडलेस है, काउंटेबल नहीं है, तो सेंसस यूज हो सकता है. लार्ज और इनफिनाइट में डिफरेंस है. अब इंडिया की पॉपुलेशन भाई लार्ज है, फिर भी हम सेंसस मेथड यूज करते हैं पॉपुलेशन को स्टडी करते. इनफिनाइट हो तो हम स्टडी कर सकते हैं. स्टार्स इनफिनाइट है तो स्टार्स की स्टडी करनी है तो हर एक स्टार को कर सकते हैं. अभी उसको स्टडी किया, वो पता नहीं कब कहां का कहां चला जाएगा, पता चलेगा इन द प्रोसेस के कितने स्टडी कर लिए? नहीं. तो उस केस में भी सैंपल, ठीक है, वेयर द पॉपुलेशन इज. देन व्हेन द पॉपुलेशन इज होमोजीनियस, हमने दो सेक्शन बना दिए बच्चों के ऐसे, एक में अबव एवरेज दूसरे में बिलो एवरेज, ठीक है, तो डाइवर्सिटी नहीं है. मतलब एक सेक्शन में 70 अबव ही आते हैं बच्चों के मार्क्स, एक में 60 टू 70 के बीच में आते हैं या 50 टू 60 के बीच में आते हैं, सबके एक जैसे बच्चे सिमिलर है. तो इस केस में यू कैन मेक यूज ऑफ, जहां पे पॉपुलेशन होमोजीनियस वहां पे कौन सा मेथड? सैंपल. जहां पे हिट्रोजीनियस वहां पे सेंसस, क्योंकि वहां पे सैंपल ठीक रिजल्ट नहीं देगा. ठीक है, लेट अस डिस्कस मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सैंपल मेथड नाउ. फर्स्ट मेरिट, इकोनॉमिकल, इनएक्सपेंसिव है, ठीक है, ज्यादा फंड्स की जरूरत नहीं है. कहां बेटे 10,000 को स्टडी करना और कहां 100 को स्टडी करना, ठीक है. सो इट इज इनएक्सपेंसिव. देन इट इज यूजफुल फॉर लार्ज इन्वेस्टिगेशंस. लार्ज इन्वेस्टिगेशंस जहां पे है वहां पे सेंसस पॉसिबल नहीं होता, सो वी मेक यूज ऑफ सैंपल सर्वे. देन एरर आइडेंटिफिकेशन इज इजी. कहीं पे एरर आ गया उसको आइडेंटिफाई करना इजी होता है. अब CBSE ने हमें कहा अपने 10th और 12th का रिजल्ट बना के भेज दो. हमारे पास 300 बच्चे प्लस 2 के थे, 300 बच्चे 10th के थे, हमने बना के भेज दिया. CBSE के पास कितने बच्चों का गया? लैक्स का. तो उनके लिए एरर आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा सैंपल में, क्योंकि हम अ फ्यू यूनिट स्टडी करते हैं तो एरर को आइडेंटिफाई करना इजी हो जाता है. देन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस इज ऑल्सो देयर. जहां पे स्टडी कम है वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस ज्यादा है. डीमेरिट, पॉसिबिलिटी ऑफ बायस. मैंने सैंपल चूज किया, मैंने आपको भी एग्जाम्पल दी थी ना पीछे, मैंने अबव एवरेज बच्चों का सैंपल चूज कर लिया अपनी क्लास की परफॉर्मेंस अच्छी दिखाने के लिए, दूसरी टीचर की परफॉर्मेंस डाउन दिखाने के लिए मैंने बिलो एवरेज वाला सैंपल चूज कर लिया, ठीक है. सो पॉसिबिलिटी ऑफ बायस इज ऑलवेज देयर. देन इनएक्यूरेट रिजल्ट्स. अगर जो हमने सैंपल चूज किया वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता, तो उस केस में हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो इनएक्यूरेट हो सकते हैं, ठीक है. देन इट रिक्वायर्स क्वेश्चन. एक्चुअली ये चैप्टर पूरा किसके ऊपर बेस्ड है? ये जो 100 यूनिट्स का सैंपल है इसको कैसे चूज करना है, हाउ टू चूज अ सैंपल. सो चूजिंग अ सैंपल रिक्वायर्स टेक्निकल नॉलेज. इट्स नॉट इजी, क्योंकि बेटे आपका जो रिजल्ट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? सैंपल. तो अगर आपने सैंपल ठीक चूज किया तो आपकी कंक्लूजन ठीक ड्रॉ होगी, लेकिन अगर आपने सैंपल ही ठीक नहीं चूज किया तो आपकी कंक्लूजन रॉन्ग ड्रॉ होगी. तो फिर आप किसको ब्लेम करोगे? स्टैटिस्टिक्स को. आप बोलोगे स्टैटिस्टिक्स इज नॉट ए गुड साइंस, ठीक है, बट आपने पढ़ा ना लिमिटेशन है स्टैटिस्टिक्स की, इट कैन बी मिसयूज्ड. So in this way it can be misused. So the choosing of a sample requires technical knowledge. ठीक है, तो ये इसका एक तरह से demerit. दोनों हमने study कर लिए, अब हम next part में study करेंगे methods of sampling. ठीक है, उससे पहले इन दोनों का difference कर लें, census और sample.
आप लोग बताइए व्हाट इज सेंसस। राइट, ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन इज स्टडीड इन सैंपल ओनली अ फ्यू यूनिट्स। एक्यूरेसी, सेंसस गिव्स मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स, सैंपल गिव लेस। रिलायबल, सेंसस इज मोर रिलायबल एज कंपेयर टू सेंस। और सूटेबिलिटी, इट इज सूटेबल फॉर स्मॉल साइज ऑफ पॉपुलेशन सेंसस। प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन सैंपल, गवर्नमेंट कैन मेक यूज ऑफ सेंसस क्योंकि उसके पास फंड्स की कमी नहीं है, रिसोर्सेज की कमी नहीं है, टाइम की कमी नहीं है। और टाइम कंज्यूमिंग सेंसस है। ओके, इट इज मोर सूटेबल इन केस ऑफ हीट्रो, इन केस ऑफ हीट्रोजीनियस पॉपुलेशन सेंसस मेथड इज मोर सूट, इन केस ऑफ होमोजीनियस वी कैन मेक यूज ऑफ सैंपल। और टाइम का हो गया हमारा, मैन पावर का हो गया, इकोनॉमिकल हो गया, और क्या कह सकते हैं, और वेरिफिकेशन, सेंसस में अगर कोई एरर आया तो आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है, उसकी वेरिफिकेशन मुश्किल होती है, सैंपल में एरर वेरिफिकेशन इजी। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ सैंपलिंग। व्हाट डू यू से, शैल वी स्टार्ट रिवीजन फ्रॉम टुमारो, और ये वाला बाकी बाद में कर ले।